ओम साईं राम। दोस्तों आज हम शिरडी में हैं, साईं बाबा की नगरी, जो कि हम आज अपने यहाँ दर्शन करने आए हैं साईं बाबा के। आपको भी दर्शन कराएंगे, किस तरीके से यहाँ पे दर्शन के लिए फॉर्मेलिटीज़ वगैरह रहती हैं जो कि सिक्योरिटी पर्पज से ज़रूरी होती है। आज हमने अपना रूम होटल साईं कन्हैया में लिया है और आपको यहाँ पर रुकने की तरह लिए साईं संस्थान की ओर से भी आश्रम है, जो कि साईं भक्त निवास, साईं आश्रम, धारावती, तीन आश्रम बड़े हैं। मुख्य आश्रम जहाँ आप रह सकते हैं, जहाँ नॉन एसी रूम डबल एक्यूपेंसी और ट्रिपल एक्यूपेंसी में 250 से 300 में उपलब्ध है और एसी रूम 600 रुपये में। और आपको यहाँ साईं संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसकी बुकिंग करनी पड़ती है। हमें करंट में बुकिंग नहीं मिली, जिस कारण से हमें होटल में रुकना पड़ा। और आपको एक जानकारी और दे दूँ, आपको साईं भोजनालय का उसी आश्रमों में भी खाने का प्रबंध मिलेगा। आपके साथ बड़े बूढ़े भी आते हैं, जो कि साईं आश्रम यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर मंदिर से दूर पड़ता है, तो आपके लिए वहाँ पे फ्री बस सेवा भी सबके लिए चलाई गई है, जो साईं आश्रम से लेके टेम्पल तक आपको छोड़ती है। उसके बाद साईं भोजनालय यहाँ से टेम्पल से भी 1 किलोमीटर आगे है, वहाँ तक भी आपको फ्री सेवा चलती है। मतलब आपको साधन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सेवा साईं संस्थान की ओर से फ्री सेवा चलती है, जो आश्रमों से सीधे टेम्पल, टेम्पल से भोजनालय, भोजनालय से वापस टेम्पल होते हुए आश्रम को जाती है। और आपको जैसे जैसे और भी जानकारी होगी, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ की दूंगा। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करिएगा। हम आपको सारा शिरडी दर्शन कराएंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण स्थान है साईं बाबा से जुड़े हुए वो भी दर्शन कराएंगे। इस वक्त सुबह के 7:30 बज चुके हैं, हम अपने होटल से बाहर नहा धो के आ चुके हैं। आप हमारे साथ चलिए दर्शन करने साईं बाबा के, आइए। अभी हम मेन रोड पे खड़े हैं, मनमान शिरडी रोड पे। इस वक्त मैं गेट नंबर 1 के बाहर खड़ा हूँ, इससे अंदर जाके हमें गेट नंबर 2 मिलेगा, जहाँ से फ्री दर्शन किए जाते हैं। और मेरे एक लेफ्ट साइड में पेड पासेज भी मिल रहे हैं, जैसे 200 रुपीज़ पर पास है वीआईपी दर्शन पर पर्सन के लिए, जहाँ से आपको सीधे अंदर भेज दिया जाता है। और आपको यहाँ पर अंदर जाने के लिए पहले बायोमेट्रिक पास बनाया जाता था, वो अब बनाने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा, आपको अपने यहाँ मोबाइल वगैरह बाहर लॉकर में जमा करा के जाने पड़ेंगे। और दूसरी, कोई भी आप इलेक्ट्रिक चीज़ अपने साथ ला रहे हैं वो अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, कैमरा भी अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। हम आपको यहीं छोड़ेंगे, दर्शन करके आएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। और अभी आपको मैंने ये सारी जानकारी दे दी, इस वक्त कोई बायोमेट्रिक पास की ज़रूरत नहीं है। आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, 200 रुपीज़ पर पर्सन का आप पास लेके अंदर जा सकते हैं सीधे दर्शन करने के लिए। और आइए अब हम दर्शन करने जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी दोस्तों हमने पूरे मंदिर प्रांगण के दर्शन किए, मेन टेम्पल में दर्शन करने के बाद, साईं बाबा की अद्भुत प्रतिमा के दर्शन करने के बाद, हमें एक साईं बाबा के द्वारा दली धोनी की बबूत का हमें प्रसाद मिला है। पहले देशी घी की बूंदी का भी प्रसाद मिलता था, किसी कारणवश अभी वो नहीं बांटा जा रहा है। इस वक्त सिर्फ साईं बाबा की धुनी का प्रसाद हमें मिल रहा है बबूत के रूप में। मेन मंदिर जो बाबा का था, ये खंडोबा का टेम्पल बनना था, पर बाबा के समाधि लीन होने के बाद ये बाबा का मंदिर बना दिया गया, क्योंकि खंडोबा का मंदिर भी बाबा के कहने पे ही उनके भक्त द्वारा बनाया जा रहा था, पर बाबा का समाधि लीन होने के बाद बाबा का ही एक टेम्पल बना दिया गया। दूसरा, उसके बाद हमने द्वारका माई के दर्शन किए। आपने सीरियल में देखा होगा, बाबा लकड़ी की रेलिंग पे हाथ रख के बैठा करते थे, वो द्वारका माई का ही एक सीन रहता था। द्वारका माई वो जगह है जहाँ पर बाबा की आज भी चक्की और एक बोरी रखी हुई है, जिसमें गेहूँ डली हुई है, उसमें आज तक घुन नहीं लगा। ये बाबा का चमत्कार है, वो भी आज तक संजोई रखी गई है उधर द्वारका माई में। उसके थोड़ा सा 50 मीटर की दूरी पे बाबा की चावड़ी है, जहाँ बाबा का दरबार लगा करता था, उनके भक्तगण उनके पास रोज़ मिलने आया करते थे। और उधर हमने अपना शीश झुका के थोड़ी ही 100 मीटर की दूरी पे आगे चल के बैजा माई का घर है, जो आपने बाबा का सीरियल्स वगैरह ये देखे होंगे, बाबा का चरित्र पढ़ा होगा, तो उसमें आपको बैजा माई का जरूरी बैजा माई का जिक्र जरूर आया होगा। वो जगह है जहाँ से बाबा रोज़ अपना भोजन के लिए भिक्षा मांगा करते थे, उस घर में जाके। वो भी आपको हमने दर्शन कराए हैं, और आप देख ही रहे होंगे, दर्शन कर रहे होंगे उस घर के जहाँ से बाबा भिक्षा लेते थे, बैजा माई, जिन्होंने बाबा को अपना पुत्र माना था। और इस पूरे प्रांगण के दर्शन करने के बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद भी आपको एक दो जगह ऐसी जगह लेके जाएंगे, खंडोबा मंदिर, जहाँ बाबा को पुजारी अंदर घुसने नहीं देते थे, बाबा शुरुआत में मंदिर में जाते थे, आपने सीरियल्स में भी उस चीज़ को देखा होगा। और दूसरा, बाबा की तपोभूमि, गोदावरी नदी में बाबा नहाने के बाद किसी जगह पे एक जगह ध्यान लगाया करते थे, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूर कोपर गांव में है।
और आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे जहाँ का नाम तपोभूमि रखा गया, वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूँ, ये साईं संस्थान की तरफ से चाय है, चाय का रेट मात्र 2 रुपये, क्वालिटी बहुत अच्छी, दूध मात्र 3 रुपये, कॉफ़ी मात्र 3 रुपये। और ये सुविधा इस मंदिर टेम्पल में ही नहीं है, साईं के जहाँ जहाँ भक्त निवास आश्रम धारावती भक्त निवास है जहाँ लोग रुकते हैं वहीं भी ये सारी सुविधाएं दी गई, जिसमें चाय 2 रुपये, कॉफ़ी 3 रुपये प्लस दूध 3 रुपये, ये साईं संस्थान की ओर से है। और साईं संस्थान की ओर से प्रसादालय भी चलाया जाता है जो से आधा किलोमीटर यहाँ से दूर है, जहाँ हम दिन का भोजन करेंगे। और दूसरी बात, जहाँ जहाँ साईं के आश्रम है भक्तगण रह रहे हैं रूम्स लेके, वहाँ भी भोजन प्रसादालय की व्यवस्था है, प्लस चाय कॉफ़ी की भी वहाँ पर व्यवस्था है। अभी मैं आपको एक बार पी के और आपको बताता हूँ। सीधी सी बात है दोस्तों, भगवान का प्रसाद समझिए, कुछ समझिए, इतने कम दामों में इतनी प्योरिटी आज के टाइम पे मुमकिन नहीं है, पर साईं संस्थान की ओर से दिया जा रहा है। अभी हम मंदिर से चाय पी के निकले ही थे ब्रेकफास्ट के लिए। मेरा एक आपको सजेशन, आप शिरडी है, वड़ा पाव नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया। यहाँ मैंने वड़ा पाव लिया है अभी एक, और आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, अभी तक मैंने खाया भी नहीं है, पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसका टेस्ट कैसा है, और बहुत अच्छा लाजवाब रहेगा। मैं शिरडी में पहले भी बहुत बार इस चीज़ को ट्राई कर चुका हूँ, और यकीन मानिए मेरी शुरुआत ही सुबह की इससे होती है। मैंने ऐसा वड़ा पाव मुंबई में नहीं खाया जो शिरडी में खाए हुए हैं। आप कभी शिरडी है वड़ा पाव सुबह के ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद हम डोसा खाएंगे, और वो भी आपको ऐसी जगह से खिलाएंगे शिरडी में, क्योंकि इस चीज़ का प्रॉफिट है कि मैं पहली बार बहुत बार आ चुका हूँ शिरडी, और आपको इस चीज़ का बहुत प्रॉफिट मिलेगा, और आपको ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ डोसे का अपना एक अलग आनंद है। ठीक है, अभी इसको फिनिश करते हैं, आपको मैंने बता ही दिया रिव्यू इसका, बहुत अच्छी चीज़ है, आप खा के देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम आंध्रा टिफिन सेंटर आ चुके हैं, जो मैंने आपको कहा था डोसा पॉइंट, यहाँ हमने डोसा ले लिया है। आपको रिव्यू तो मैं करा कराया ही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी इधर ट्राई कर चुका हूँ, फिर भी आपको अभी भी करंट पोजीशन बताता हूँ। ओके, आपको कभी साउथ इंडियन खाना हो तो आप यहीं आइएगा, बहुत सी वैरायटी है, उत्तपम वगैरह इडली वगैरह आपको सब मिलेगी बहुत ही सस्ते दामों पर। मसाला डोसा का रेट सिर्फ 40 रुपये है, और आपको यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ मिलेगी, आप कभी भी आए आगरा टिफिन सेंटर में आके ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों हम इस वक्त इस मंदिर में हैं जहाँ साईं बाबा शिरडी आते थे तो खंडोबा के मंदिर में आते थे दर्शन करने। खंडोबा भगवान शिव जी के अवतार माने जाते हैं, और यहाँ के पुजारी थे मालसापति जी। शुरुआत में जब शिरडी साईं बाबा आए थे तो मालसापति जी साईं बाबा से चिढ़ते थे, मंदिर में उनको आने नहीं देते थे, पर अब उनके चमत्कारों को और उनके आशीर्वादों को देखकर उन्हें भी विश्वास हुआ साईं बाबा पर, बाद में उन्होंने साईं बाबा के अनंत भक्त बने। आज हम उसी मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, प्राचीन खंडोबा मंदिर में जहाँ साईं बाबा आते थे। आइए आप हमारे साथ इस मंदिर में दर्शन कीजिए। दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं साईं प्रसादालय भोजन करने के लिए, और आपको मैं बता दूं यहाँ की टाइमिंग सुबह 10 से रात के 10 बजे तक है। आप मेरे पीछे भव्य मूर्ति देखी होंगे साईं बाबा भोजन बनाते हुए, बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे आपको भोजन करना चाहिए। यहाँ पे दो तरीके से है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी भोजन मिलता है, और 50 रुपीज़ वाले कूपन में भोजन मिलता है। 50 रुपीज़ वाले कूपन में 2-3 चीज़ें जुड़ जाती है, दही हुआ और भी कुछ 1-2 चीज़ें जुड़ जाती हैं, मतलब यहाँ आके आप भोजन, सबसे बड़ी बात मैंने देखी है, यहाँ आप आते हैं गरीब आदमी भी आता है, वो कम से कम रेटों में फ्री भोजन पाकर 250 रुपये में 3 जनों की ऑक्यूपेंसी वाला रूम पाकर नॉन एसी आराम से रह सकता है, मतलब 100 रुपये पर डे, जिसमें रहना भी खाना भी आप देख सकते हैं साईं भोजन का। दूसरी इधर की सबसे बड़ी बात बता दूँ, यहाँ पर जो खाना और भोजन बनाया जाता है वो सौर ऊर्जा के द्वारा बनाया जाता है, सोलर प्लांट्स यहाँ लगे हुए हैं, सारा का सारा उसी के द्वारा बनाया जाता है। मैं आपको एक बार सारा नज़र कराता हूँ और चलते हैं भोजन करने। अभी हमने कूपन ले लिया है 5 साल तक के बच्चे का, जो ऊपर के बच्चे होते हैं 12 साल तक के बच्चे तक का, 5 से 12 साल तक के बच्चे के 30 रुपये, और एडल्ट्स का 50 रुपये पर पर्सन। इसमें ये फ़र्क है मुफ्त और इसमें, मुफ्त वाले में स्टील की टेबलें लगी हुई हैं, जो एक टेबल पे 10 से 12 लोग बैठते हैं, और इसमें डाइनिंग हॉल है, प्लस पापड़ प्लस दही और दिया जाता है। आइए भोजन करते हैं।
हमारी हो गई थाली तैयार। आप खुद ही देख लीजिए 50 रुपये की थाली में क्या क्या मिलता है। नॉर्मल जगह पे आपको ऐसा नहीं मिल सकता। हलवा मिला है, सब्जी 3 मिली है आप देख सकते हैं, प्लस दही, अचार, पापड़, रोटी और चावल। अब आप टेस्ट करते हैं, खाते हैं भोजन को, और साथ में यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री अचार पड़ा ही रहता है, चीनी और नमक पड़ा ही रहता है। अब इसको खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा स्वाद। फ्री वाले में इतना फ़र्क है कि स्टीम पे टेबल पर बिठा के सबको खिलाया जाता है, दही और पापड़ नहीं दिया जाता, बाकी सेम यही चीज़ें हैं। तो आपको सारी नॉर्मल चीज़ बता चुका हूँ शिरडी में, आप आराम से अब भोजन खाते हैं, इसको फिनिश करते हैं। अभी हमने 2-3 घंटे होटल में आराम कर लिया था, अब हम जा रहे हैं सीधे साईं की तपोभूमि, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर कोपर गांव, जहाँ पे साईं बाबा गोदावरी नदी के बीच में पड़ती है, वहाँ नहा के कई बार वहाँ बैठ के अकेले में ध्यान करते थे, उसी स्थान को तपोभूमि का नाम दे दिया गया। अब इसके बाद वहाँ चल के दर्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं, फिर हम वहीं मिलते हैं आपसे। सोलह किलोमीटर का सफ़र करके शिरडी मनमान रोड पे हम कोपर गांव के उस चौक पे आ चुके हैं। साईं बाबा का ये तपोभूमि के नाम से एक मंदिर है, जहाँ पे साईं बाबा अपने ध्यान लगाया करते थे। गोदावरी पास में नदी है, वहाँ नहा के यहाँ पर आके ध्यान लगाया करते थे। ये आज के टाइम पे तपोभूमि के नाम से मशहूर है। ये कोपर गाँव के उस चौक से है जहाँ से एक रेलवे स्टेशन कोपर गाँव के लिए रूट जाता है, एक सिटी के लिए मेन हाईवे पर ये मंदिर है। आइए अंदर दर्शन करते हैं। दोस्तों आज हमने शिरडी का पूरा भ्रमण किया, पूरी यात्रा की। आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह थी वो आपको दिखाई शिरडी में। वैसे तो मंदिरों की कोई कमी नहीं है, आप पूरा दिन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। एक मुख्य बात आपको बता दूं, शिरडी आने के लिए शिरडी में रेलवे स्टेशन भी है जो कि देश के बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों से कनेक्ट है, फिर भी आपको सीधी ट्रेन नहीं मिलती है, तो आप दिल्ली नासिक मुंबई रूट पर मनमान रेलवे स्टेशन पड़ता है जो कि शिरडी से 55 किलोमीटर दूर है। आप वहाँ उतर के आराम से वहाँ से शेयर टैक्सी और बस के द्वारा आप शिरडी आ सकते हैं। और शिरडी में बात करें वायु मार्ग की, तो दिल्ली से और मुंबई से कनेक्टेड है सीधा, क्योंकि शिरडी में भी एयरपोर्ट है। आप एयरपोर्ट आप शिरडी में डायरेक्ट फ्लाइट से आ सकते हैं वाया मुंबई दिल्ली होके। और बसों की तो आपको पता ही है, प्राइवेट बसें आप मुंबई से भी, मुंबई यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर है, आप मुंबई से भी पहुँच के यहाँ की प्राइवेट बस लेके या टैक्सी के द्वारा आप यहाँ आ सकते हैं। और आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए हम यहाँ पे बाय बाय करते हैं, आगे ब्लॉग में आपसे बने रहिएगा। हमारा आगे गोवा का प्लान है, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ओम साईनाथ।